दोस्तों, आज हम ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने आविष्कार से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिनके मेहनत और आविष्कार से पूरी दुनिया फायदा उठा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के बारे में, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मेहनत किया और मानवता की भलाई के लिए बहुत सारी खोजें करी, लेकिन शायद इनको वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इलॉन मस्क का, जिन्होंने अपनी कार कंपनी का नाम इनके नाम पर टेस्ला रखा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके महान आविष्कार के बारे में। नंबर एक, एसी करंट। सन 1882 ईस्वी में निकोला टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को ज्वाइन किया और उन्होंने एडिसन की कंपनी में काम करते हुए अपने एसी करंट के प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन एडिसन ने यह बताकर रिजेक्ट कर दिया कि यह मानव हित के लिए खतरनाक है, क्योंकि एडिसन को डर था कि एसी करंट के आ जाने से उनके डीसी करंट के प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, जिससे उनको बहुत नुकसान होगा। एक दिन कंपनी में लगे मोटर में कुछ कमी आ गई। एडिसन ने निकोला टेस्ला से कहा, अगर तुम इस मोटर को ठीक कर दोगे मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। उसके बाद निकोला टेस्ला ने कड़ी मेहनत की और उस कमी को दूर कर दिया, और जब उन्होंने पैसा मांगा तो एडिसन ने कहा, ये तो सिर्फ मजाक था, और यह कहते हुए बात को टाल दिया। इससे निकोला टेस्ला दुखी हो गया और उनकी कंपनी को छोड़ दिया। उसके बाद निकोला टेस्ला ने अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंग हाउस के साथ मिलकर एक कंपनी खोली। सन 1887 ईस्वी में निकोला टेस्ला ने एसी डायनमो और एसी इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया। एसी करंट के आ जाने से बहुत ही फायदा हुआ, जैसे एसी करंट को हजारों किलोमीटर दूर तक भेज सकते हैं, शॉर्ट सर्किट का चांसेस कम हो गया। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने घरों में और इतने बड़े बड़े शहरों में कई किलोमीटर दूर से जो पावर सप्लाई हो रही है वो इन्हीं की देन है। नंबर दो, टेस्ला कॉइल। निकोला टेस्ला ने 1891 ईस्वी में टेस्ला कॉइल का आविष्कार किया। यह एक तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट थी जो कि लो करंट और हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करती थी, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का यूज किया गया था। इस आविष्कार से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी। इस आविष्कार को निकोला टेस्ला ने मीडिया के सामने लाइव करके भी दिखाया कि किस तरह से बिना किसी वायर का यूज किए बिना इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कराया जा सकता है। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कि कितनी सारी मोबाइल कंपनियां वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम दे रही हैं। अब आप समझ सकते हो निकोला टेस्ला ने इसका आविष्कार कई सालों पहले ही कर दिया था। दोस्तों, एक सवाल मन में जरूर आया होगा, जब टेस्ला कॉइल बन गया है तब आज के टाइम पर क्यों नहीं यूज हो रहा है। दरअसल बात यह है कि इसका डिस्टेंस रेंज बहुत ही कम था। नंबर तीन, रेडियो संचार तकनीक। 1895 ईस्वी में निकोला टेस्ला ने रेडियो संचार तकनीक का आविष्कार किया, लेकिन उनके लैब में आग लग जाने के कारण उसे पेटेंट नहीं करा पाए, यानी कि सार्वजनिक नहीं करा पाए। उसके बाद कहा जाता है राजनीतिक कारणों के चलते उसका श्रेय इटालियन साइंटिस्ट मार्कोनी को चला गया। हालांकि निकोला टेस्ला के मौत के बाद वहां की कोर्ट ने मार्कोनी के इस आविष्कार को अमान्य करके वापस टेस्ला को दे दिया, लेकिन वो इसे देखने के लिए जिंदा नहीं थे। नंबर चार, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसके बाद 1896 ईस्वी में निकोला टेस्ला ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का आविष्कार किया। इसको बनाने में 3 साल लगे थे। उस समय पहली बार नजदीकी इलाके में पावर सप्लाई की गई थी। नंबर पाँच, अर्थ ब्रेक ऑस्किलेटर। इसके पहले निकोला टेस्ला ने 1893 ईस्वी में अर्थ ब्रेक ऑस्किलेटर का आविष्कार किए थे। यह एक तरह की इलेक्ट्रिक जनरेटर थी। जब वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो आसपास के एरिया में भूकंप आ गया। बाद में उन्हें पता चला कि ये आविष्कार मानवता के लिए खतरा हो सकता है। उसने तुरंत ही उसको नष्ट कर दिया। नंबर छह, रिमोट कंट्रोल सिस्टम। सन 1898 ईस्वी में इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो वायरलेसली रिमोट से कंट्रोल होता था। यह वही टेक्नोलॉजी है जो आजकल रोबोट, गाइडेड मिसाइल और टीवी रिमोट में हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं इन्होंने इसका आविष्कार बहुत पहले ही कर दिया था। नंबर सात, डेथ रे बीम। 1934 ईस्वी में इन्होंने डेथ रे बीम नाम के एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। यह आविष्कार अपने टाइम से बहुत एडवांस था। यह एक ऐसा हथियार था जो कि 250 किलोमीटर दूर किसी भी चीज को दो टुकड़ों में काट देता, क्योंकि इसमें न्यूयॉर्क सिटी जितनी इलेक्ट्रिसिटी को लेजर बीम की तरह गन के माध्यम से ऑपरेट किया जाता था, जैसे कि हम लोग साइंस फिक्शन मूवी में देखते हैं। इस तरह दोस्तों, निकोला टेस्ला ने इतने सारे आविष्कार किए। बहुत सारे आविष्कार तो ऐसे थे जो उनके मरने के बाद रिसर्च पेपर में मिले, वो भी आधे अधूरे। अगर उनका सारा एक्सपेरिमेंट पूरा होता तो शायद दुनिया और कुछ अलग होती। कहा जाता है निकोला टेस्ला अपने अंतिम दिनों में एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो मनुष्य के दिमाग में चलने वाली इमेज को सीधे सीधे प्रदर्शित करते, यानी कि जो हम सोचते हुए हमें आंखों के सामने दिखाई देता। लेकिन अफसोस, इसको पूरा करने से पहले ही वो दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, निकोला टेस्ला ऐसे इंसान थे जिन्होंने व्यापारी की तरह न सोच करके विज्ञान के तर्ज पर काम किया। उन्हें प्रॉफिट और लाभ से कोई मतलब नहीं था, वे दुनिया को बहुत कुछ देना चाहते थे। उनके कई प्रोजेक्ट और आविष्कार पैसों की कमी की वजह से बंद करना पड़ा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।